सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से आपने बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखी होंगी। आज की रेसिपी बिल्कुल हटके, बिल्कुल यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक आटा तैयार करना है। आटा जो हमें लगाना है उसमें सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको कम पानी का इस्तेमाल करना है। एक हार्ड डो लगाकर तैयार करना है और थोड़ा चिकना करने के लिए आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बट एक सख्त डो लगाना है आपको। और जितना कम पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही परफेक्ट आटा हमारा लगकर तैयार होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आप देखिए, आटे को गूंथने में काफ़ी प्रेशर लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है। आधे कप से भी थोड़ा कम पानी मैंने इसमें यूज़ किया है और लास्ट में इसे थोड़ा चिकना करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डालकर इसे मसल लूँगी। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, जब इस तरह से आपका आटा सेट हो जाएगा तब आप आटे को 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए, क्योंकि ढककर रखने के बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सख्त आटा लगाना है। जितना सख्त आटा आप लगाएंगे उतना बेस्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब 15 मिनट के बाद ये देखिए आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, थोड़ा सा सॉफ्ट ये हो चुका है। अब हम फिर से इसे हाथों से मढ़ लेते हैं और अब हम इसे 2 हिस्सों में काट लेंगे, या 2 हिस्से कर लीजिए आप इसके, क्योंकि हम इसके आज नूडल्स बनाएंगे घर पर गेहूं के आटे से, जो कि बहुत ही हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होंगे। तो इस तरह से मैंने गेहूं के आटे का एक हिस्सा ले लिया, एक लोई तोड़ ली, बड़ी सी, काफ़ी बड़ी लोई तोड़ी है। अब हम इसमें सूखा आटा लगाते जाएंगे और इसे बेल कर तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी को बेल कर तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह, और बिल्कुल उतना ही पतला, जितनी पतली हम रोटी को बेल कर तैयार करते हैं उतना ही पतला हमें इसे बेल कर तैयार करना है। किसी भी शेप में आप इसे बेलते जाइए, बस हर जगह से ये बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा हो कहीं पतला, बिल्कुल बराबर से आपको बेलकर तैयार करना है। अब थोड़ी देर के बाद आप देखिए मैंने इसे बेल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पतला सा मैंने बेलकर इसे तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे। सूखा आटा इसलिए ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना, हल्का सा डस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसे कट करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, घर में चाकू हमेशा अवेलेबल होता है, तो आज मैं नूडल्स बनाने का सबसे इजी वे आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह से। अब आप इसे पतले पतले, बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में आप इसे कट करते जाइए, और ये हमने कट कर कर बिल्कुल तैयार कर दिया। अब हमारी सारी पतली पतली सी नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमने सूखा आटा लगाया था तो आप जब इस तरह से इसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये देखिए कितनी पतली, कितनी लंबी, अच्छी तरह से हमारी नूडल्स बन चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा और सूखा आटा डस्ट करेंगे और जो दूसरा हमने आटे का डो रखा था उसे भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी होममेड नूडल्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान तरह से आप इसे बना सकते हैं और कोई ज़्यादा चीज़ों का इसमें इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो अब इस तरह से जब ये रेडी हो जाएंगे तो दूसरी ओर गैस पे मैंने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तब इस स्टेज पर हमने जो आटे की नूडल्स बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। हमें इन्हें बॉयल करना है, कुक करना है। आपको इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर बॉयल करना है, जब तक ये अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए। 1 से 2 बार इनमें उबाल आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें तेल डाल दीजिए ताकि बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट हमें मिले और ये चिपके भी ना। अब ये देखिए 1 से 2 बार इसमें उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से मैंने इसे 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब आप इसे चेक कर लीजिए, वैसे तो इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये बॉईल हो चुके हैं, बट आप इसको हाथों से तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट में जैसे हम नूडल्स बनाते हैं तो तोड़कर चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। और आप यहाँ पर चख भी लीजिए, अगर आपको लगे कि कुक हो चुका है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर कर इन नूडल्स को छान लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुका है, मैंने छान कर एक साइड में रख लेती हूँ। अब दूसरी ओर कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया,
एक बड़े चम्मच के करीब मैंने तेल गरम कर लिया है। जैसे ही तेल हमारा गरम होगा, हम उसमें एक प्याज पतले लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक से दो हरी मिर्च और एक से दो शिमला मिर्च पतले लंबे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दी है। आप यहाँ पर पत्ता गोभी, गाजर, स्प्रिंग अनियंस, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, बट प्याज हमेशा घर में अवेलेबल होता है। इसलिए आज मैं बिल्कुल बेसिक तड़का बनाकर इसकी रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मिल पा रही। साथ ही आज की रेसिपी में मैंने एक सेजवान चटनी का इस्तेमाल किया। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैम सेजवान चटनी कहाँ अवेलेबल मिलेगी, तो ये मार्केट में 10 रुपये का सैशे है, बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके पास सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, घर पर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप बस ये एक सैशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा ही आएगा। अब जब प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी भुन जाएंगी, तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सेजवान चटनी का ये एक पूरा सैशे। वैसे ये काफ़ी अच्छा चटपटा होता है, अगर आप थोड़ा कम चटपटा पसंद करते हैं तो इस आधे सैशे का इस्तेमाल कीजिए, पूरे सैशे का इस्तेमाल मत कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। हमारा जो तड़का है चौमिन का, वो बनकर तैयार हो चुका है। इस तड़के में आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी टाइप चाहिए वो ऐड कर लीजिए। अब हमने तड़का बनाने के बाद जो नूडल्स बनाकर तैयार की थी, देर न करते हुए अब वो नूडल्स हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने बॉयल करके नूडल्स को छलनी में निकाल दिया था। बॉयल हो जाने के बाद अब हम इसे तड़के में ऐड कर लेते हैं। अब इसे ऐड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिएगा, ताकि जो हमने मसाला बनाया है वो नूडल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर जाए। और थोड़ी ज़्यादा देर भुनेंगे तो और अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट तक आप मिक्स करके इसे छोड़ दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। उसके बाद ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, इनका लुक भी देखिए कितना अच्छा आया है, और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे, हेल्दी और टेस्टी हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे मैं आपको सर्व कर कर भी दिखा देती हूँ। ये टूटे भी नहीं हैं और बिल्कुल बनकर तैयार हैं। देखा आप सभी ने, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने ट्राई की रेसिपी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करते ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके। तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।